आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निसंतान दंपत्ति के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मातृत्व सुख में आजकल की तनाव भरी जिंदगी ने काफी कमी लाई है। इससे सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी काफी हद तक अफेक्टेड हुए हैं। यदि सब कुछ सही रहते हुए भी दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो आईवीएफ के तहत पहला कदम क्या उठाना चाहिए? अगर टेस्ट में जरूरत होती है तभी हम उसको आईवीएफ के लिए एडवाइस करते हैं, वरना पेशेंट की हम दूरबीन की सर्जरी करते हैं या उनको मेडिसिन की सपोर्ट से प्रेग्नेंट कर देते हैं। आईवीएफ तकनीक है क्या? इस तकनीक के प्रोसेस की जानकारी हमारे दर्शकों को दे। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो इसकी कॉन्सेप्ट होती है आईवीएफ में कि हम एक फीमेल से अंडे निकालें। जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक से ज्यादा अंडा बनाए। उसके लिए हमें पेशेंट को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जो अंडे बढ़ाते हैं। यानी कि मूल रूप से महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को लैब में फर्टिलाइज कर उसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। लैब में अंडे और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन तकनीक को हम आईवीएफ कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए मदर ही, मतलब जो फीमेल पार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए सारे कपल्स को मेरी सबसे पहले उनसे ये अनुरोध है कि वो अपने मेल काउंटर पार्ट का भी स्पर्म एनालिसिस जरूर करें। किसी भी सलाह की जरूरत है तो आप कभी भी किसी भी समय द हेल्थ केयर टुडे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।